और अकलीमपुर की सरदारी को मेरा नतमस्तक प्रणाम। आज भारतीय जनता पार्टी के तौर के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने आया हूँ। कुछ महीना पहले मैं आपके बीच में आया था, कितने दिन हो गए सरपंच साहब? दो महीना पहले मैं आपके बीच में आया था और मैं कह के गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा, यही कह गया था ना? बिल्कुल। तो मैं आज अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने के लिए आया हूँ। और 2014 में भी मैं लड़ा, चुनाव जीता, सरकार बनी, मैं मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया वह मैंने काम करने की कोशिश की। और बिना भेदभाव के ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी पंचायत रही हो, और अभी तो चुनाव 5 तारीख को होना, 15 दिन से ऊपर हैं, यदि कोई पंचायत आकर ये कह दे कि हम नरवीर सिंह के पास गए, हमें एक भी काम छोड़ा हो। मैंने चुनाव से 3-4 महीना पहले सारी पंचायत इकट्ठी करी और सब पंचायतों से सरपंचों पंचों से हाथ उठवाए कि भाई कोई काम तो बाकी ना, दोनों अठादी साहब कोई काम नहीं, भाई और काम और एक एमएलए मंत्री क्या कर सकता है। और मेरी ख्याल से ये हरियाणा के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में नहीं होगा। समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन 2019 में ही मैंने सारी पंचायतों से हाथ उठवा ली कि गाँव में काम बाकी नहीं, तो नरवीर सिंह का क्या कसूर। और अब के आप बनाओगे तो सोचना ये मत क्या काम कर सकता हूँ। चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन एक एमएलए की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ कर सकता हूँ, जो आप करवाना चाहते हो सारे काम कर दूंगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आज भी है ना, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आज भी हमारा है, विधानसभा तो डीजल हो गई, लेकिन 2019 में भाजपा की सरकार ना बन करके दो दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की। आज जो गुड़गांव की दुर्दशा आप देख रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कि साझे के काम में ऐसा ही काम चलता है। सड़कों का महकमा जो मेरे पास था, जो मैं अच्छी अच्छी सड़कें बना के गया, 3-3 पट्टी लगा के गया, वो जेजेपी के खाते में चली गई, और शेर के पट्टे ने गुड़गांव में काम ही नहीं करा। आप बताओ कहीं गड्ढे भी भरे हों तो ना, क्योंकि वो एक काम के अलावा दूसरा काम उनका था ही नहीं, लेकिन सरकार की कैसी मजबूरी रही भाई उनका समर्थन करने के बाद काम में ना आए और विधायक यहाँ निर्दलीय बन गया। और मैं 2019 के चुनाव से पहले मैं तकरीबन जिन गांवों में दौरे करके गया मेरी टिकट कटने से पहले कि भाई नए को बनाओगे तो नया बन के जाएगा, चंडीगढ़ विधानसभा ढूंढेगा, सेक्रेटरीट ढूंढेगा, बड़े बड़े एसीएस आईएएस अफसर, बड़े बड़े आईपीएस अफसर को कहेगा मैं जी मेरा ये नाम है, मैं बादशाहपुर से विधायक चुन के आया हूँ, तो थोड़ी देर मुँह इधर देखकर फिर आगे को मुँह कर लेंगे, कोई कदर नहीं करेगा। और नरवीर सिंह जाएगा तो सीधा राजभवन में शपथ लेगा और चीफ सेक्रेटरी भी सलाम करने के लिए आएगा। मैं तो 3 बार एमएलए बना, 3 बार मंत्री बना, 26 साल की उम्र में ही मंत्री बन गया मैं तो। और भाई अब के जो चुनाव लड़ रहा हूँ ना, मैं कहीं भी जाऊँगा तो लिख देंगे राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर वेलकम्स, या हम राव नरवीर सिंह पूर्व मंत्री का स्वागत करते हैं, बोर्ड लग जाएगा। कोई नहीं लिखेगा मैं 1 बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, कहीं लिखा देखा आपने? 3 बार मैं बन लिया, 4th बार बन जाऊँगा एक्स मिनिस्टर, तो मैं 91 में हो लिया। अब के जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैंने इस गुड़गांव की धरती पर जन्म लिया और इसका कर्ज उतारना है, इस गुड़गांव का भला करना। गुड़गांव में लोग ये कहें कि भाई काम तो नरवीर सिंह ने किया, मंत्री तो एक बना था, वो छाप छोड़ना चाहता हूँ इस गुड़गांव में। हमारा ये बढ़ता हुआ शहर है। मुझे याद है हम छोटे थे, पिताजी मिनिस्टर थे, हम बहरामपुर से आया करते गुड़गांव, तो माँ से कह के जाते थे माँ हम छावनी जा रहे हैं, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, गुड़गांव कोई नहीं कहता था। आहिस्ता आहिस्ता 75 में मारुति कंपनी आई, 80 में DLF आया, आज तो सैकड़ों रियल एस्टेट कंपनियां हैं। लेकिन उन इन कंपनियों ने, इन दो कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और अब तो सरकार ने भी नाम गुरुग्राम कर दिया। इन दो कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है इस गुड़गांव को चमकाने में। जब 30,000 की आबादी थी गुड़गांव की, आज 30 लाख की आबादी है। बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई समस्याएं हैं। ये 5 साल हमारे बेकार चलेंगे, कोई गुड़गांव में विकास का काम नहीं हो।
जो मैं काम करके गया, दो काम के ऑर्डर करके गया मैं, डिमोलिशन के किन को तोड़ो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग और बस स्टैंड की। 5 साल में हॉस्पिटल की बिल्डिंग ही टूट पाई, बस स्टैंड आज भी नहीं टूट पाया। 5 साल में उसकी आधारशिला नहीं रखी गई। अब के आने के बाद एक हॉस्पिटल नहीं, 30 लाख की आबादी है, 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में बनने चाहिए। 30 लाख की आबादी पर 1 सब्जी मंडी है गुड़गांव में, और आप जा नहीं सकते उस सब्जी मंडी में, 4 कोनों पे 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए। साथियों आपको याद होगा 2016 में एक बार बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हीरोंडा चौक पे पानी भर गया और 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर रिपोर्ट करी। प्रधानमंत्री गृह मंत्री राजनाथ जी का टेलीफोन आया मनोहर लाल जी के पास कि मनोहर जी इसका इंजाम करो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सारा देश रुक गया। उन्होंने रात को मेरे को टेलीफोन किया कि राव साहब इसका कोई इंजाम करो। हमने उसका इंजाम किया। अब कितनी ही बारिश आ जाए आपको हीरोंडा चौक पे 1 इंच पानी नहीं मिलेगा। 2016 के बाद कभी पानी भराव नहीं हो, गुड़गांव जाम हो जाता है लेकिन हीरोंडा चौक पे आपको कभी पानी नहीं मिलेगा। उसका इतना अच्छा इंतजाम किया। और बादशाहपुर ड्रेन पे मैं आपको निमंत्रण देता हूँ सारे गाँव को, कभी फुर्सत लगे बिल्कुल आपके पड़ोस में बादशाहपुर वाटिका चौक से ही आप पैदल घूमने जाओगे, हजारों औरतें आदमी सुबह शाम उस पर घूमते। इतना बढ़िया रमणीक स्थल 8 किलोमीटर का बनाया ट्रैक कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि अब सरकार का पैसा नहीं लगवाया, सारा लोगों से मांग के कंपनियों से CSR फंड का लगवाया है। कहोगे कि गुड़गांव में कोई घूमने की जगह है, ऐसी हमने वो बनाई है। आइंदा आने वाले गुड़गांव में शहर में पानी भरता है, आज भी 2 बूंद पड़ जाए गुड़गांव जाम हो जाता है। एक ऐसी नहर बीच में से निकालेंगे कि गुड़गांव आधे घंटे में साफ हो जाए। गुड़गांव में वैसे भी जाम रहता बिना बारिश के, आप लोग रोज गुड़गांव जाते हो, हर चौक पे आपको बंद मिलता है। 18-20 फ्लाईओवर अंडरपास गुड़गांव में बनने चाहिए ताकि आदमी सुगमता से आसानी से रास्ता अपना तय कर सके। हमारा आधा जीवन तो जाम में ही निकल जाता है। और मुझे तो जब दिक्कत आती शादी ब्याह में 15-20 कार्ड आ जाते हैं और सबको शाम को जाना पड़ता है। शादी बारात घरों में कर लेते हैं, उसमें बैंकेट हॉल में करते हैं, तो 5-6 से ज़्यादा हम कर ही नहीं पाते। जाम ही जाम, जाम ही जाम, सारी ज़िंदगी हमारी जाम में निकल गई। तो ऐसे गुड़गांव का काम नहीं चलेगा। और गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब बन गया, दुनिया भर के लोग इलाज कराने के लिए आज गुड़गांव में आते हैं, लेकिन गरीब आदमी का कोई इंजाम नहीं। एक सरकारी हॉस्पिटल था वो तोड़ दिया, एक 10 सेक्टर में नाम मात्र का हॉस्पिटल है। गरीब आदमी के भी यदि कोई बुखार चढ़ जाए तो 5 से 7 लाख रुपए में ये बड़े बड़े हॉस्पिटल ये बुखार उतारते हैं। जो एक सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करता है वो कैसे अपने बुजुर्गों की बच्चों की कैसे दवाई करवाए। साथियों नरवीर सिंह की ये इच्छा है कि 4 हॉस्पिटल बने। और गुड़गांव में स्कूलों की प्राइवेट की ये हाल हो गया कि आम आदमी अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता ही नहीं। एक स्टेटस सिंबल बन गया कि हम अपनी बहन बेटियों का रिश्ता लेके जाएं तो ससुराल वाले ये पूछते कौन से स्कूल में पढ़ रही है। यदि हम कह दें सरकारी स्कूल में पढ़ रही है तो जिसका रिश्ता लेके गए वो मुंह मारता, रिश्ता लेने से भी मुँह सीधे मुँह नहीं मना करता होगा लेकिन उसके मन में कि हम नहीं रिश्ता लेंगे। यहाँ गुड़गांव में 863 सरकारी स्कूल है प्राइमरी से +2 तक, 863। और गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस है 400, जिनका हजारों हजार करोड़ रुपए का CSR फंड है। नरवीर सिंह MLA बनने के बाद इनकी मीटिंग बुलाएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे 2-2 स्कूल एडॉप्ट करो, उनके लिए राय के बराबर है। और उन शिक्षण संस्थानों में सरकारियों में ऐसी शिक्षा दो जो प्राइवेट स्कूलों से अच्छी है, ताकि गरीब का बच्चा ऐसी पढ़ाई पढ़ सके कि ये कहे कि भाई मैं कॉन्वेंट स्कूल से मेरी अच्छी पढ़ाई। ऐसी व्यवस्था हमने गुड़गांव कर ली है। हमारा गुड़गांव आज इंटरनेशनल सिटी है। जो लोग बाहर के भी नई दिल्ली को जानते हैं वो नक्शे में गुड़गांव को भी जानते हैं। बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई समस्याएं हैं। पिछले 5 साल हमारे खराब गए, हमारे विकास का काम नहीं हो पाया, सारे गुड़गांव में गड्ढे गड्ढों में तब्दील हो गई। गुड़गांव कूड़ा घर बन गया, कूड़ा नहीं उठ रहा, नगर निगम के आदमी काम नहीं करते। अरे नरवीर सिंह जब मंत्री था तो क्या ये हाल था गुड़गांव का? क्या अधिकारी खुलेआम रिश्वत मांग सकता था? सारा प्रशासन आपके गांव में आपके द्वार पे खड़ा होता था। और मैं कहता हूँ, आज नारा देता हूँ कि नरवीर सिंह बनेगा तो प्रशासन आपके द्वार खड़ा रहेगा, आपकी समस्या पूछते जाएगा।
ऐसा गुड़गावा हमने बनाना है। और मैं तो कह के जाता हूँ कि भाई ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोग कहें कि भाई मंत्री बना तो हरियाणा में, गुड़गांव में नरवीर सिंह बना, ये अब इच्छा है। आप लोग 5 तारीख को वोट डालेंगे। भाई जब हम चुनाव का पर्चा भरने जाते हैं तो हर आदमी राजनीतिक जलसे करता है, जलूस करता है और अपनी अपनी ताकत सब लोगों को दिखाते हैं। मैं आपके चुनाव का पर्चा भरने गए, 5 आदमी चले गए, चुपके से नॉमिनेशन भरी आए। लेकिन राजनीति में राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक शक्ति भी दिखाना जरूरी होता है। मैं जब अमित शाह जी से मिला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब अब के आपको, आपने मेरी विधानसभा में आना है, एक जनसभा करनी। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा तेरी जनसभा में। तो चुनाव से 5-7 दिन पहले एक स्थान, तारीख, समय आपको सब मिल जाएगा। मेरी सभी ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के लिए जनशक्ति दिखाना जरूरी है, इसलिए उस जनसभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा आए। और 5 तारीख को, और भाई बादशाहपुर विधानसभा नहीं, मैं बादशाहपुर के लिए वोट मांगने अपने लिए नहीं आया हूँ। सरकार जब बनेगी, जब गुड़गावा जिले की चारों की चारों सीट कमल के फूल की जीतेगी, एक नरवीर सिंह अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार बनेगी भाजपा की तब कर पाएंगे, सारे हरियाणा की हमारी गारंटी नहीं, लेकिन हमारे जिले गुड़गांव की मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करने आया हूं। जय हिंद, राम राम।